वो बात बताओ ना, कौन सी बात जो है वो बताओ, कौन सी सच बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि जी आप सब खैर खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। इस वक्त शाम का टाइम है और दिन में मैं गया हुआ था शहर, थोड़े बहुत घर के काम थे मैंने वो किए हैं। और मुझे कल से ना आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप भाभी से चैनल वापस क्यों ले लिया, वो उनकी मेहनत थी, आपने छीन के गलत कर दिया है। तो कब से मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, कल से इंस्टाग्राम पर भी कमेंट आ रहे हैं मुझे ये वाले, यूट्यूब में कमेंट्स भी आ रहे हैं, फेसबुक पर भी आ रहे हैं। तो जवाब आपको मिल जाता है सिर्फ थोड़ी सी देर में। फिलहाल यहाँ पे मैं व्लॉग बनाने खड़ा, तो ये डॉग ही आ गया मेरे पास। शाम का टाइम है, मैंने आपको पहले कहा है कि मैं दिन में शहर गया हुआ था, दूसरा डॉगी, और आपकी भाभी जान वहाँ पर खड़ी हुई है, मुझे देख के मुँह भी परा कर लिया जी। वाह, ये तो पक्की ठक्की नाराज़ हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए मैं भी इनको नाराज़ करके ज़्यादा खुश नहीं हूँ, ठीक है। मुझे भी इस चीज़ का दुख होता है कि जो मेरी वाइफ से मैंने मेहनत उसकी थी, गर्मी सर्दी में वीडियोस वो बनाती थी, ये मैं एग्री करता हूँ इस बात को और मानता भी हूँ, लेकिन इसके ना लक्षण जिसको बोलते हैं ना, वो मेरे साथ ठीक नहीं लग रहे। तो मैंने सोचा कि वापसी ले लेते हैं तो फिर बाद में इसको दे देंगे। अब जहरी बात है, मैंने थोड़ी चलाना है बबल, मेरे वाला मुँह से चलता नहीं है और मैं क्या उसका चला पाऊँगा। तो खैर अभी आपकी भाभी के पास चलते हैं। अब वो मुझे लगता है कि मेरे से बात दुआ करें कर ले, कल रात से जब से मैंने इसे चैनल लिया ना, मुझसे बात नहीं की, लेकिन देखते हैं अभी शायद कैमरा के सामने कर ले, लेकिन लगता नहीं है भाई साहब। कल शाम को मैं यहाँ पर चारपाई डाल के बैठा हुआ था और इतनी ठंडी हवा मुझे यहाँ से लग रही थी ना, ये देखें ये सारे खेत जो है ना ये खाली हो गए अब, तो यहाँ से हवा हवा आती है ठंडी ठंडी और यहाँ पे लगती है, और ये वाले खेत भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, यहाँ से भी हवा मुझे ऐसे लग रही थी। वो आपकी भाभी से मैं थोड़ा गुस्से में था ना, तो मैंने चारपाई यहाँ पर डाली थी रात के 10 बजे तक। फिर सुबह उठा, कुछ मूड ठीक हुआ मेरा भी, और आपकी भाभी का पता नहीं हुआ है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सुहान को भी उठाया हुआ है। सुहान मेरे पास आना है, आ जाओ, शाबाश। नहीं भाई ये मामा के हैं, मेरे पास नहीं आना। ओए क्यूटू, ध्यान देख के बात करो, तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। नाराज हो, तुम्हारे व्यूवर्स मुझे कल से कमेंट किए जा रहे हैं हर जगह पे। मैं नाराज हूँ या नहीं अभी भी आपको पता नहीं है कि तुमने भाभी के साथ गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे सपोर्टर तुम्हारे साथ हैं, तुम टेंशन ना लो, मैं चाहे हूँ ना हूँ तुम्हारे सपोर्टर तुम्हारे साथ हैं। सपोर्टर तो मेरे साथ है मुझे पता है, लेकिन मुझे तो क्या करना, तुम्हारे सपोर्टर्स ने मुझे सारा सोने नहीं दिया। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आ रहे थे, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में भी आ रहे थे। अच्छा बताओ क्या बात है, चैनल की टेंशन ना लो। मैंने अब किसी चीज की भी टेंशन नहीं, मैंने संभाला हुआ है, मैंने ना चैनल के लिए ना आपके लिए, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, बस मैं जैसे हूं वैसे रहने दे। अब क्या आपने कोई बात करनी नहीं बता दे, नाराज करियो यहाँ पे आके। कल रात से तुम बात क्यों नहीं कर रही मुझसे, पहले कौन सा आप करते हैं, बस मैं ही बोलती रहती हूँ, आप तो करते नहीं है, और अब जब मैं बोलना बिल्कुल छोड़ दिया तो अब आप बोलने क्यों नहीं कर रही बात, आपको क्या करना, मैं बात करूँ ना करूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं है, तुमने जो मेरे साथ गलत किया है इस चीज़ का दुख भी है मुझे ना, और होना भी चाहिए। और आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, हर चीज मैंने ही गलत की है, ठीक है। इल्जाम तो आप हर बार लगाते ही रहते हैं, आप इल्जाम जो गलत करते हैं वो। चैनल ले लिया है तभी नाराज हो, मुझे चैनल का कोई दुख नहीं है, वो वैसे भी जब चीज पर आई हो ना तो पराई चीज पे कोई अरमान नहीं रखना। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से एक बात की थी, आपको याद होगी, खुद मैंने थोड़ी रखना है, मुझे तो आपने बता ही दिया ना कि वो चीज ही मेरी नहीं है, जब मेरी चीज ही नहीं है तो उसमें मैं क्या हक जमाऊं, पराई चीज पे क्या हक जमाऊं। गुस्से में अब मैंने बोल दिया, ठीक है, तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है ये बताओ। मैं नाराज नहीं हूं किसी से, बस चीज आपकी थी, आपको मिल गई, आप खुश हो जाए अपनी जगह पे। यहाँ पे तो वहाँ मुंह करके खड़ी हो, मैं ठीक खड़ी हूँ, मेरे सामने बात करो ना, सही से बात तो कर लो अब, क्या बात भी नहीं करनी। नहीं मैं कर रही हूँ, क्या बात कर लूँ बता दें,
जो सवाल पूछ रहा हूँ, जो सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दे उसके। मूड कब ठीक होगा? मेरा मूड ठीक है, लग तो नहीं रहा। मेरा मूड ठीक है, ठीक है। आपने वैसे भी मेरे मूड से करना क्या, आपको जो चाहिए था, जो आपने मांगा आपको मिल गया। चैनल आपने लेना था, आपने ले लिया। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बस आपने लेना था, ले लिया। आपने मुझसे इसे ले लिया ना, ताकि मैं जो आपका, जो भी आपका रवैया है, जो भी आपकी असलियत जिस तरह मुझसे बात करते हैं, ये मैं आपकी ना बता दूँ। मेरी क्या असलियत है? पर रहने दे आप, अभी बता दो ना, अभी ऑन द कैमरा बताओ सबको, लाइव जा रही हो अभी। आपने मुझसे कैमरा, अपना चैनल इसलिए लिया है मेरा अपना, ताकि मैं अपने चैनल पे कुछ ना बता दूं। आप तो अपना जो है वीडियो खोल के खड़े हो जाते हैं और मेरी बुराइयां करते रहते हैं यहाँ पे, तो बस मेरे खिलाफ बातें करते रहते हैं। मेरी जो बात तुम्हारे दिल में है ना, वो बाहर निकालो, ताकि तुम्हारे दिल का बोझ कम हो, ये कि आप हमेशा, और तुम्हारा गुस्सा खत्म हो। ये कि आप हमेशा झूठे इल्जाम लगाते हैं, हमेशा एक तरफा सोचते हैं, कभी दोनों तरफा सोच के फिर फैसला किया करें। कोई भी बात हो, बस एक तरफा सुन के उसका फैसला कर देंगे कि ये सही है और वो गलत है। हमेशा बात दो तरफा सुननी चाहिए, बट नहीं, आपने तो एक तरफा सुन के इल्ज़ाम लगा देना है, और यही तो आपकी असलियत है। आप हमेशा से यही करते हैं और अब भी यही कर रहे हैं। तुमसे मैंने आज तक कुछ छुपाया था? मैंने आपसे क्या छुपाया, ये बता दें। जो तुमने किया ना, वो मुझे पता है, ठीक है ना? मैंने क्या किया, अब ये बता दें मैंने क्या किया। और फिर जनाब का, और जनाब का मूड भी फिर बना हुआ है। कितने कितने दिन हो गए, कमेंट में भी लोग कह रहे कि आप लोगों को 15 दिन हो गए लड़ते हुए, सुलह नहीं कर रहे आप लोग। आपका जैसा हाल है ना, आप तुम सुलह करने के काबिल हो, ये बताओ। आप करेंगे सुलह करने के लिए, तुम तैयार हो? आप भी नहीं करेंगे। मैं तैयार हूँ इस वक्त, तुम हो तैयार? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं सुलह करने के लिए इससे बिल्कुल रेडी हूँ। चैनल भी वो मेरा नहीं है, वो इसका है, ठीक है, मैं इसको वापस कर दूंगा, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि सुलह करे तब ना, ये सुलह करना ही नहीं चाह रही। जो सच बात है वो बताओ ना, जब मेरा मूड ठीक था तब आप नहीं, वो बात बताओ ना। कौन सी बात जो है वो बताओ, कौन सी सच? ये वाला सच कि तुम मुझसे सुलह करने नहीं चाह रही। जब मैं सुलह करना चाहती, आपका मूड खराब था ना, तभी तुमने बात को दिल पे ले ली। क्या तुमने करनी नहीं है? जब करनी होगी करनी। सारी लाइफ नहीं करोगी क्या आप? जब करनी होगी कर लूंगी, मैंने नहीं करनी अभी। जिंदगी सारी नहीं करोगी आप? मैंने नहीं करनी आपको कुछ लाऊंगी। किसी बड़े को लाए हैं क्या कहती हो? मुझे किसी बड़े को भी बीच में लाना, क्यों हमारी दोनों की लड़ाई में हम बड़े को तकलीफ दें, सुलह तो प्रॉब्लम दें। सुलह तो करवा देंगे ना वो, वैसे भी आप, आपको बड़ी जल्दी सुलह के यहाँ पे देख के बात करो ना। जब मैं कब देख के बात करो, मैं आपसे कहती रही कि नहीं, बस मेरी एक बात मान लें, मुझे जो है मैंने आपसे ना लड़ना है ना फिरना है, ठीक है। आप जो मेरी गलती हुई उस बात के ऊपर, गलती पर गलती, आपके मूड जो ऑफ हो गए थे, अभी गलतियाँ निकालनी है। आपने लड़ाई बढ़ाई है, मैंने बढ़ाई है, अब मुझे कहते हैं सुलह आप नहीं करती हो, लड़ाई आप बढ़ाते हैं, फिर अब बात मेरे ऊपर आ गई घूम फिर के। फिर से यार मैं इस वक्त सारी बातें भुला कर तुमसे सुलह के लिए आया हूं। मैंने भुला दी सारी, ठीक है, मैंने सारी भुला दी थी। आपने फिर कल मुझसे क्या कहा, कल सारा दिन आप कहते रहे। अब गुस्से में गलती हो जो गई, मेरा आप मुझे दें, इसकी जो इससे आपका कोई हक नहीं। नहीं, तब मुझे बहुत गुस्सा था, मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूँ। गुस्से पे बंदे की ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए, जो कि आपको नहीं आता। हाँ जी, आपको गुस्से पे कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो मामू आ गया, वो जा रहा। ये नहीं कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए, नहीं, आप ना लड़े, कोई नहीं, आपने कोई ना कोई गलती निकालनी है और आके लड़ना है। मैं जो चुप करके बाहर आ जाती हूँ, यहीं पे बाहर आके लड़ना शुरू हो जाता है। मैं अब तुमसे, मैं कहती हूँ घर में तमाशा ना बने, नहीं आप आ जाते हैं बाहर। देखिए मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी आज, अब मैं तुमसे सुलह करने के लिए आया हूँ। कब तक रहोगी ऐसे? जब तक मेरा दिल करेगा। मैं क्यों जाना है बताओ? मैंने कहीं नहीं जाना। छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैंने मायके भी नहीं जाना। मैं क्यों छोड़ देता हूँ तुम्हें? मैंने मायके भी नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं रहना और यहीं रह के आपके साथ लड़ना है। क्या कर लेंगे आप? मेरी बात सुनो, चैनल का कोई इशू नहीं है, चैनल बेशक मुझसे ले लो अभी, वो मेरा है भी नहीं, ना ही मेरा काम में चलाना उसको, ठीक है ना? तुम्हारी ऑडियंस है अपनी बात पे। तो यार मैंने तुम्हें कहा है कि रात मैंने गुस्से में बोल जो दिया था तुम्हें, ठीक है, तुम्हारी ऑडियंस है वो मुझसे नहीं मांग रही ना कि आप मुझे मेरी चीज वापस दें। आप तो उसको बड़ा हक जमा के मांग रहे थे।
आप सजा देनी है इस बात की? कोई सजा ही नहीं, मैं होती भी कौन हूँ आपको सजा देने वाली? नहीं सुना करनी आप? ऑफ द कैमरा करनी है या ऑन द कैमरा करनी है? मैंने कुछ भी नहीं करनी, ना ऑफ द कैमरा ना ऑन द कैमरा। वैसे ऑफ द कैमरा करनी तो मैं कैमरा ऑफ कर दूं? हमारी जो भी लाइफ है वो ऑफ द कैमरा क्या और ऑन द कैमरा क्या, सब कुछ तो हमारे जो सामने है ऑन द कैमरा सब कुछ। मैंने ऑफ द कैमरा भी सुलह नहीं करनी। नहीं सुलह करनी अभी तुमने? मैं इसको बनाने के लिए आया था। हाँ, बस क्या मुझे आप मेरा चैनल दें और आज से उस पर आपका कोई हक नहीं है, उसके बाद मैं सुलह का सोचूंगी। मुझसे मूड ठीक कर लो फिर सब को तुम्हारा। नहीं, मुझे मेरा चैनल दें और उस पर कोई आपका हक नहीं है, फिर मैं सुलह का सोचूंगी। वो तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? मैंने वो वैसे भी आप चैनल दे देंगे और उस पर जो हक फिर भी आपका ही रहेगा, इस तरह से नहीं है, मुझे पता है। तुम संभालना सारा कुछ, अपनी वीडियो खुद बनाना, अपना सारा कुछ तुम करना, वो तुम्हारा है, ठीक है ना?